मालदा से क्यों जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन दो भागों में बंट जाने से यात्रियों में मची अफरा तफरी। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद कुछ ही दूरी पर दो भागों में बंट गई ट्रेन। ट्रेन की चार बोगी पीछे से ट्रेन से खुल गई, जिससे लोग परेशान हो गए। घटना के बाद मालदा डिवीजन के रेल अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच बन गया डर का माहौल। ये ट्रेन मालदा से क्यों जा रही थी। भागलपुर जमालपुर रेल खंड के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के समीप घटना हुआ। इस दौरान एक घंटा तक इस रेल खंड पर ट्रेन का परिचालन पूरी ठप हो गया। 100 किलोमीटर तक मत छोड़ दिया है। कितने डिब्बे थे सर? एक डेढ़ घंटा हो गया। उन्हें कितना डिब्बा था जो छोड़ा हुआ? चार डिब्बा था। चार डिब्बा छोड़ दिया। कितना देर बाधित रहते? एक डेढ़ घंटा। एक डेढ़ घंटा से बाधित है। कौन सा ट्रेन है ये? मालदा इंटरसिटी की ओर। अच्छा, पुलिस लोग आए थे? हाँ आए थे। स्टेशन मास्टर? हाँ सर। सर सब दुरुस्त हो गया? हाँ सब हो गया ठीक। अब दो तीन मिनट में खुलने वाले हैं। क्या नाम है सर? पप्पू। अच्छा नहीं लोग 309 जो है ना दो पार्ट में बट गया था। जी भेकंप लगने के बाद ना दो पार्ट में गाड़ी बट जाता है। तो क्या लग रहा कि नट बोल्ट जो कसा गया था वो लूज होगा या वो तो टेक्निकली चीज हुआ? जी दो पार्ट में मिला। जैसे ही जानकारी मिली दल बल के साथ गए और गाड़ी को 11:34 में खुलवा दिया। कितने घंटे बाधित है सर परिचालन? गाड़ी तो लगभग कितना 10:44 में आई थी। जस्ट 10:44 में पार्ट हुआ और 11:34 में गाड़ी खुला है। ये कहाँ पे घटना घटी? किलोमीटर है अप में 330 का 27, 330 के 31 पर। तो परिचालन अब चालू कर दिया गया सर? 330 के 27 ओएचई पोल हुआ। ओएचई पोल जो है ना 27 परिचालन सर चालू हो गया। परिचालन कोई हादसा नहीं? नहीं। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं।